हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग मनु व्लॉग्स। ये लो, आज मैं आपको ले आया हूँ पहाड़ों पे, हिल्स पे। बहुत मज़ेदार सीन है ये, देखो कितना देखने में एकदम ज़बरदस्त। नेचर लवर जो भी हैं, आज आपको हसीन पहाड़ों की वादियों में ले आया मैं। तो जी साइड से भी साफ है सारा, अच्छे से धीरे धीरे जोर से मतलब तो उसको पूरा अच्छे से आप देखो भाइयों। नेचर जो है हसीन वादियों से बढ़ के लाइफ में कुछ नहीं। जो भी नेचर लवर है ये देखो कितना सुंदर सीन है। ये देखो फ्रेंड्स कितनी खाई है, एकदम जबरदस्त क्या सीन है ये। ये देखो जी, तो लोग यहाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं, वो कार जा रही है, वो बाइक जा रहा। नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं वो भी हिल्स आए हैं और अपना इंजॉय करें, और जो दूर से आए हैं वो भी आ सकते हैं। अपना हरियाणा का छोटा हिल स्टेशन मोरनी हिल्स करताल। फ्रेंड्स यहाँ पैरासेलिंग बोटिंग वगैरह सब है, देखते हैं आज हवा चल रही होगी तो पैरासेलिंग हो रही होगी, वो भी दिखाएंगे। देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। पहाड़ों की हसीन वादियों में ये देखो हल्की हल्की धूप छन छन के आ रही है, कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। नॉर्थ इंडिया वालों के लिए तो हरियाणा में पास में ही छोटा हिल स्टेशन एक लौता, दूर वालों के लिए आ सकते हैं। आई होप मैं देखता हूँ आज हवा सारा सेटिंग वगैरह हो जो वो सब दिखाऊँ आपको। खो गया तो क्या करो,
डाउन कर लिया बिना क्लच दबाए, सही तो हो रहा है पर ये सही नहीं है भाइयों। सब्सक्राइब मनु राव आपका भाई आपको हवा चलती है, देखते हैं पैरासीलिंग वगैरह हो रही हो, हैंग ग्लाइडिंग तो मज़ा आ जाएगा, देखते हैं ये पता नहीं। वो ज़्यादा आवाज़ वाला एग्जॉस्ट ना है, आजकल 10-10 हज़ार का चलान है, और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, हेलमेट डबल पहने, सेफ्टी का ध्यान रखें, कोई भाई बैंक चलान ना करवाए, इंजॉय करें। भाई मिल गए, देखो बस आ गई, जा रहे हो, आए कैसे थे? अरे भाइयों को ले जाओ, रुक जाओ भाई, ओके भाइयों कर देना मेरा भला। ये लो जी हथियार पकड़ लो। मिलते मिलते हसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, उसके अंदर देख लो ना थोड़ा बढ़िया से दिखने के लिए, जो वो ऊपर नीचे ना हो काफी गंदा लगता है। देखो फ्रेंड्स बहुत लोग आते हैं ऐसा नहीं, उत्तराखंड वाले, चंडीगढ़ वाले, दिल्ली वाले, अभी दिल्ली कौन सा रखा जाएगा, फारसी वाह भाइयों बहुत बढ़िया, पूरा बढ़िया मेंटेन रखती है गवर्नमेंट फ्रेंड्स, क्योंकि हिल स्टेशन है यहाँ मेंटेनेंस जरूरी है। ये देखो ये लैंडस्केपिंग मुझे कुछ थोड़ा बहुत तोड़ के इसको चौड़ा कर रहे, देखो फ्रेंड्स नेचर जैसा कुछ नहीं है, आज की पॉल्यूशन और जद्दोजहद वाली ज़िंदगी में सब लोग परेशान हैं,
और नेचर लवर जो हर कोई होता है, पर जिंदगी मौका नहीं देती। देखो यार कितना ठंडा है, एकदम ऐसा है बिल्कुल अभी। हालांकि गर्मी शुरू हो गई है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो टाइम निकाल के आए नॉर्थ इंडिया वाले, मोरनी हिल्स हरियाणा का छोटा हिल स्टेशन, और जो दूर से आते हैं वो भी आए और टाइम निकाल के इंजॉय करें। हिमाचल तो देखो दुनिया जाती है, हिमाचल भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तराखंड भी दूर नहीं है, देहरादून वगैरह सब खूबसूरत जगह है। हरियाणा का छोटा हिल स्टेशन तो भाई आप अपना फेवरेट गाना गा रहे फ्रेंड्स। देखो हल्की हल्की धूप पहाड़ों पे दिख रही है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ, बहुत सारी मंकी हैं। रात के टाइम में यहाँ कोई लेपर्ड वगैरह भी वाइल्ड में होते हैं, तो वो रात को ही पॉसिबल है कि किसी को दिख जाए। कैसे ढेर चेंज की विदाउट यूजिंग क्लच। ये देखो हल्की हल्की कितनी बढ़िया धूप है, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, मज़ा आ रहा है एकदम बिल्कुल। अच्छा हुआ ये पहना हुआ है, वरना ऐसी ठंड लगती है पूरा जम जाते। अभी कोई दिल्ली वाला जा रहा था, वो एड्रेस पूछ रहे थे दिल्ली से कौन सा रखता है। बहुत लोग आते हैं दिल्ली से, उत्तराखंड से, पहाड़ों वाले भी पहाड़ों पर आते हैं, हरियाणा का छोटा हिल स्टेशन। कैंपिंग का बड़ा मन था, अभी थोड़ा रिंगी चीज़ें और रुकी हुई है। कैंपिंग बहुत पसंद है, कई जंगल में जगुआ टाइगर लेपर्ड आ जाए तो कैंप लगा के जो है बहुत मन है। देर बिना क्लच यूज करे चेंज करना पड़ा, क्योंकि तुम पकड़े या गॉन उसको। बहुत बढ़िया सीन है, पूरे प्रॉपर पहाड़ों, बहुत ठंडी हवा है। कोशिश करता हूँ पैरासेलिंग हो रही है वो और दिखा दूँ, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहाड़ों में बस एक कम है, देखो लैंड फॉर पे लिखा हुआ यहाँ पे, हरियाणा का छोटा हिल स्टेशन है, बहुत यूज करता है। एक कमी बस यही है, खाली खाली है, हिमाचल की तरह इतना भरा हुआ नहीं है। जो हिमाचल में कहीं जाते हैं जैसे कि सोलन कसौली शिमला, आपको बहुत भीड़ मिलेगी। यहाँ थोड़ा खाली खाली है, तो नेचर ज़्यादा है, पेड़ पहाड़ ज़्यादा है, लोग गेस्ट हाउस होते हैं।
वाली है, सेफ्टी के लिए सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। लाल लाल सी दिखती है, कुछ लैंड स्लाइडिंग होती जा रही है, कुछ तोड़ रहे हैं चौड़ी रोड बनाने के लिए। धक्का लगता है तो डर लगता है, फोन ना गिर जाए, ध्यान रखना पड़ता है। मन विभाग हरियाणा सीमा आरम्भ, वन विभाग की सीमा जो है स्टार्ट हो गई है। मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो कैसे जो देखो, फिर से गियर डाउन करना पड़ा बिना क्लच के। बहुत बढ़िया धूप आ गई, चलती धूप आ रही है, चलती है वो बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी धूप लगी बढ़िया, फिर से देर बदल दिया है। अकेला हूँ भाई, तो एक फ्रेंड बैठा है, वो थोड़ी देर के लिए उतर जाएगा, वो कहीं जा रहा है। कैमरा पकड़ने में कुछ देखना पड़ता है ना, दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, करना पड़ता है बस तुझरा साथ हो तेरा, फिर तू है देखो। ओयो रिजॉर्ट, नेचर रिजॉर्ट, इसका नाम भी नेचर रिजॉर्ट रखा गया है। तो फ्रेंड को ऊपर दिखा देता हूँ, ये नेचर रिजॉर्ट। देखो एक और विंड फार्म रिजॉर्ट, ये नीचे देखो इसका रास्ता कैसे जा रहा है, विंड फार्म रिजॉर्ट। दोस्तों इतनी डेंजरस जगह पर कंस्ट्रक्शन कैसे की होगी, तो ये यहाँ पे आर के फैमिली रिजॉर्ट एक और आ गए। तो देखो वैली हाइट रिजॉर्ट, ये देखो बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। कैमरा गिर गया तो इंसान बहुत ही जाएगा, बहुत देर को जाना पड़ता है। ये देखो ये भूरी विलेज है, भूरी गाँव, जिससे मैं बहुत सुंदर रिजॉर्ट का पर्सनल कुछ कॉटेज बनाया हुआ है वहाँ पर, वो देखो आप। ये बहुत बढ़िया ठंड ठंड के कुछ भी गाँव पहाड़ों का मज़ा ही अलग है। पहाड़ों पर आके तो आदमी ज़िंदगी दुगनी हो जाती है, ना पॉल्यूशन ना कचरा, ट्रैफिक भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, चाहे उत्तराखंड के पहाड़ हो चाहे जम्मू के हों चाहे हिमाचल के हों, वहाँ तो बहुत पॉपुलेशन भीड़ बढ़ाता है, यहाँ आपको जो है लेस पॉपुलेशन है, व्हीकल भी इतना ज़्यादा नहीं है। टिक्कर ताल एक जगह है, वहाँ से एक बोटिंग है, हैंड ग्लाइडिंग स्काइड ग्लाइडिंग अच्छी है, अच्छी है, एक और रिजॉर्ट है। हवा तो चल रही है, वहाँ पैरासेलिंग हो रहा हो तो आप सबको दिखाऊंगा,
कमी इंस्टॉल, कमी जी का इंस्टॉल है। देखो एक और इशू आ रही है कि बहुत झटके लग रहे हैं भाई, डर लग रहा है, मोबाइल ना दिख जाए मेरा कैमरा। एम आई की सेल्फी स्टिक की फ्रेंड्स, आप ये ले सकते हैं क्योंकि ब्रांडेड सेल्फी स्टिक ख़राब नहीं होती। बंद होगी थोड़ा, ये भी देखना पड़ता है। जैसे गियर ऐसे चेंज किया बिना क्लच के, देखो बहुत ज़बरदस्त हिल्स वाला पूरा एरिया। मैं जान के आपको सब दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज इंटरेस्टिंग लगती है। पूरा ज़बरदस्त वाला नेचर है, रोड है, पत्थर है, लाल लाल मिट्टी है पहाड़ी, और ये पेड़ तो बहुत ही खूबसूरत है। ये गई है कार मरून कलर की, ये देखो कैसे पथरीला है रास्ता। ये देखो फ्रेंड पत्थर ही पत्थर साइड में लगा दिए, कोई नीचे ना जाके गिरे। यहाँ भी दीवार से बनाई गई, मेरा गवर्नमेंट बनवाई। रिसेंटली बंद हुआ था, फिर से ऑन कर दिया मैंने। हाँ, डिस्प्ले के हाथ में पकड़ के गिर भी सकते हैं, बाइक से चोट लग सकती है बहुत। देखो फिर से हरियर की धूप कितनी बढ़िया है। पेड़ देखो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, देखो ये पेड़ कितनी सुंदर है। उसके ऊपर कुछ वो लकड़ी टाइप लगता है, लोग उसको घर में डेकोरेशन के लिए भी रखते हैं। कितना बड़ा पत्थर में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा था। ये ट्रीज तो बहुत ही सुंदर हैं, अभी खूब सारी ट्रीज लगाए हैं, गवर्नमेंट भी लगा रही है। खूब ग्रीनरी एकदम खूबसूरत लगता है। जिसके घर में पेड़ नहीं है ना, मेरा तो मानना मज़ा ही नहीं। फ्लैट तो वो फ्यूचर है जब रहने की जगह ना हो, एक के ऊपर एक लोग टंगना है सब बना के। अभी से ऊपर ऊपर टंगना सही नहीं है, फ्लैट सिस्टम मुझे तो अच्छा नहीं लगता। सब मॉडर्नाइजेशन, लोगों सब भाइयों एडवांस हो रही है लाइफ, तो लोग सोचते हैं फ्लैट जाके रहना जो है एडवांस होना होता है, इसमें मज़ा नहीं है। अभी तो जब रहने की जगह नहीं होगी तब आदमी फ्लैटों में जाएगा, अभी तो जगह ही जगह है। नीचे भी कई गांव गुँव से हैं, धनेशा, सराह, बदीशे, चाकला, अपन जा रहे हैं। ये देखो मोरनी, बडियाल, पटिया, बड़ी शहर, जैसे जैसे नाम हो जाए। जरा पूछ लूँ, टिक्कर ताल यही जा रहा है ना भैया? टिक्कर ताल यही जा रहा है। ये देखो कितना हसीन, यहाँ लिखा नहीं था मैंने, ऐसे ही कन्फर्म कर लिया। गलत जाने से अच्छा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत बेहतरीन नज़ारा है, एकदम बढ़िया। अब मैं आपको वहाँ टिक्कर ताल पहुँच के वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, और वहाँ देखते हैं अगर तारा सेरी हो रही हो तो फिर तो आप सभी को मज़ा ही आ जाएगा। वहाँ से पूछ लूँगा मैं कितना फीस का क्या टाइमिंग है, अगर कोई भी आप आए तो ऑलरेडी पता हो। देखो फिर से बहुत अच्छी धूप आई है, देखो पूरा पथरीले पहाड़ है, ऊपर कैसे पेड़ है। फिर से कोई दो कारें आई, ये देखो ये
पाकिस्तान का शेडियो लिखा नौ एम बी है। बोलेरो वाला भाई पता नहीं कैसे मूव कर रहा था, जैसे कुछ गलत करके आ रहा हो, वीडियो में रहा हूँ। देखो फ्रेंड, जिसने कुछ गलत किया होगा जो वही डरेगा कि मैं वीडियो में ना हूँ, और मैं एक आम आदमी हूँ, किस बात का डर है कि मैं वीडियो में दिखूँ। गलत आदमी ही डरेगा कि मैं ना हूँ। वो बोलेरो वाला बंदा कुछ ऐसे कर रहा था, भगवान कह रहा था, नहीं चाह रहा था कि मेरी गाड़ी का नंबर आए। अब तो आ गया, आप क्या फायदा। ये देखो लंगूर मंगी, वीकेंड्स पे लोग ज़्यादा आते हैं, सैटरडे संडे भी के लिए। बहुत ज़्यादा वाला रश भी है, गाड़ियाँ व्हीकल्स भी कम है, कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी हो रही है यहाँ, रिजॉर्ट और घर वगैरह कुछ गाँव वगैरह में। बहुत ही डिफरेंट फ्यूचर का एक्सपीरियंस है। तो आप जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आए, मेरी तरह रिस्क ना लें, पूरी सर्विस से कैमरा पकड़ के, बहुत डेंजरस हो जाता है। मैं ऐसे पकड़ के हाथ से कुछ भी करा रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, गेयर भी बदलने में दिक्कत हो जाती है। तो वैसे ठीक ही है, आजकल चलान वगैरह जो हेलमेट को पहनना ही चाहिए सेफ्टी के लिए, बंदा गिरता है तो चोट भी नहीं लगती। धूल मिट्टी से बचना है, हेलमेट का शटर बंद कर लो। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना यहाँ काफ़ी रश होता है, ये देखो लोग कितने आए हुए, पब्लिक बहुत है। ये देखो पार्किंग में भी देख लो कितने, उत्तराखंड के पहाड़ों पे मज़ा अलग ही है कैंपिंग का। ये देखो, ये तो हरियाणा का टिक्कर ताल है, नॉर्थ इंडिया का हिल स्टेशन। देखो बहुत लोग हैं, दबा के रश है।
व्लॉगिंग करते हो क्या? नहीं, मैं स्नैपशॉट डाल लेते हैं अपनी।